कोई लंगूर बंदर था, वो जिसका मुंह काला होता है, लंगूर बंदर। और वो लंगूर बंदर क्या करते हैं कि वो अगर आम बंदर को भी पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ के चाटे लगाते हैं। वकील और पुलिस वाले से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है। जब तक वो कानून के मुताबिक चलता है तो कानून के मुताबिक चलता है, लेकिन जब उसके ऊपर पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है और सामने वाले को उसी की भाषा में जो है जवाब देना पड़ता है। देखो, परमात्मा के यहाँ इंसाफ है, किसी के साथ इनजस्टिस करोगे ना, चाहे वकील है चाहे जज है, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है कि उन्होंने अपनी पावर के टाइम में काले को सफेद कर दिया, सफेद को काला कर दिया, गलत को ठीक कर दिया, ठीक को गलत कर दिया। तो ऐसे लोग बिस्तर पे पड़े पड़े अपने पाजामे में पैंट में वही लैटरिंग करते हैं, वही पिशाब करते हैं। कुदरत उनके साथ ऐसा फैसला जरूर करती है। जो लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और किसी को नाजायज रूप से सताते हैं, एपी सिंह को भी इस बात का पता है कि यार ये तो तेरे जो है ना बर्तन बिकने का काम हो गया। हाँ। ठीक है, और इनको भी पता है, इतने लीगल नोटिस आ गए, डिफेमेशन 2 डल चुकी है, और के नोटिस गए हुए हैं, और भी चल रहे हैं मामले। तो अब इन्होंने देखा, हाव देखा ना, वो एक कहानी सुनी है आपने कि एक मेमना पानी पी रहा था नदी के किनारे, हमने बचपन में ये कहानी सुनी थी। तो दूर से एक भेड़िया आ रहा था और वो भेड़िया ने देखा कि यार बड़ा खूबसूरत मेमना है, बड़ा सुंदर मेमना है, और इसको वैसे तो छेड़ नहीं सकते, क्या किया जाए। तो वो उसके बराबर में आके पानी पीना उसने शुरू कर दिया। तो वो बहाने ढूंढ रहा था, यार क्या बहाना ढूंढू, कुछ मिल ही नहीं रहा। वो बेचारा चुपचाप पानी पी रहा है, तुम भी पानी पी रहे हो। कह रहा, उसको कहने लगा मेमने को, भेड़िया के, ओए मेमने, तू पानी झूठा करके मेरी तरफ क्यों भेज रहा है, मतलब शुरुआत कर दी, छेड़ दिया। तो मेमने ने शिष्टाचार पूर्वक, जैसे आपने हमने हाथ जोड़ के नमस्कार करा एक दूसरे को, कह रहा है भेड़िए महोदय, पानी तो आपकी तरफ, आप ऊंचाई पे, आपकी तरफ से बह के मेरी तरफ आ रहा है, तो पहले आप पी रहे और मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो बाद में पी रहा हूं। उसने देखा, अरे यार ये तो पानी वाकई उधर से आ रहा है, खामोश हो गया। फिर कहने लगा, अरे मेमने तूने मुझे गाली क्यों दी। कह रहा, बाबू जी मैं, आप मेरे से बड़े हो और आप मेरे पिता तुल्य हो, आप बड़े हो, सम्मान करता हूं मैं आपका, मैं आपको गाली क्यों दूंगा। कह रहा, मुझे तो सुनाई दिया तूने गाली दी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने गाली नहीं। बोला, अच्छा, बोला फिर यार तेरे बाप ने दी होगी, तूने नहीं दी तो तेरे बाप ने दी होगी। कह रहा, बाबू जी जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो वो मैंने पिताजी मेरे चल बसे थे और मैंने तो उनकी शकल ही नहीं देखी कि कब मेरे पिताजी थे, तो मेरे बाप ने गाली कैसे दे दी आपको। और भेड़िए ने देखा, होए यार ये तो मेरे झूठ चल ही नहीं रहे, क्या करूं मैं, परेशान। और पानी में मुंह मारे यूं करे कैसे कैसे करे कि यार मैं क्या करूं। तो फिर कहने लगा, अच्छा वो तेरे बाप ने नहीं दी थी, वो तेरे दादा ने दी थी। तो उस पे झपट्टा मार के उस पे हमला कर दिया। वो पास में ही कोई दूसरा उस भेड़िए से बड़ा जानवर देख रहा था, तो जब उसने वो सुन भी रहा था सारी स्टोरी, क्योंकि वहां सभी लोग पानी पीते हैं, वो बड़ा जानवर था, कोई ऐसा कोई शेर टाइप का, चीते टाइप का था, वो सुन रहा था सारी भाषा। उसने कहा, तेरी, अच्छा, उसने पकड़ा भेड़िए को और जो कान पकड़ के उसके जो ना चाटे लगाए बढ़िया वाले, तो वो आई भाई भूल गए वो सब जो ना, वहां वो मेमने को भी छोड़ गया, वो अपना पानी भी छोड़ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो जो जानवर दूसरा था वो चीता वीता नहीं था, वो कोई लंगूर बंदर था, वो जिसका मुंह काला होता है, लंगूर बंदर। और वो लंगूर बंदर क्या करते हैं कि वो अगर आम बंदर को भी पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ के चाटे लगाते हैं। तो वो वही हाल जो ना आज के टाइम में लोगों का हो गया है। तो मामला क्या है मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर जब जिंदा थे, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने एक ना डबल मंजिल
ऑफिस टाइप लगा लो या कमर्शियल प्रॉपर्टी लगा लो, वो एक प्रॉपर्टी ली थी। तो मैंने, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये ठीक प्रॉपर्टी है, घर के नजदीक है, इसको ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे कितने देने हैं, कितने देने हैं, वो पैसे दे दिए, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ जनाब, बीच में वो कोरोना आ गया, 19 में कोरोना आ गया था, तो कोरोना में सब ऑफिसेस बंद थे, किसी की कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। ठीक है, मैं उनको कहता भी रहा कि यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पे टाइम आने दो, हो जाएगा, रजिस्ट्री करा देंगे। जब प्रॉपर्टी के कागज हमने तहसील में जाके चेक किए, तो उस प्रॉपर्टी का जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक था, वो कोई पंडित जी है, कोर्ट के पास एक गांव है गढ़ी ब्राह्मणान, तो वो उसका मालिक निकला। इनके नाम वहां पर रिवेन्यू रिकॉर्ड में कोई इंतकाल नहीं था, कोई दाखिल खारिज इनके नाम नहीं था। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम अपना दाखिल खारिज जो तुम्हारा है वो करवा के दो, जो बाकी पेमेंट है वो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा, हम ले रहे, तुम दे रहे हो। उसमें रिकॉर्ड नहीं निकला, उनकी रजिस्ट्री फर्जी निकली। मैंने जब फर्जी निकली तो फर्जी डॉक्यूमेंट पे कब्जा तो हमारा ही था, उस पे मैंने क्या काम किया, मैंने उसकी वेरिफिकेशन कराई तो फर्जी निकली, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट दे करके वो FIR दर्ज करा दी। पहले समझाया नहीं माने, उन्होंने क्या काम किया, पीछे से ताले तोड़ के और उस प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश की। मैं वहां पर नहीं था, मैं अंबाले गया हुआ था, और ये FIR भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं अंबाले गया हुआ था। तो मेरे पीछे बदमाश इकट्ठा करके, सोचा कोई ऐसा ही छोटा मोटा वकील होगा, इसको पता नहीं था ना कौन है, प्रॉपर्टी दिन में ताले तोड़ दिए, उसकी वीडियो भी हमारे पास, सब कुछ है। मैंने शाम को आके FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज करने के बाद फिर अगले दिन मैंने देखा, क्योंकि हम कानून से चलने वाले लोग हैं, जब तक सर से पानी ना आए हम कानून से चलते हैं, जब सर पे पानी आ गया तो फिर हम जिस भाषा में अगला बंदा है, देखो बहन जी, वकील से बड़ा बदमाश मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, ये आपको माननी पड़ेगी ये बात। तो मैंने जो है FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज करने के बाद मैंने कोर्ट में एक केस डाला स्टे का, कि जनाब इनके कागज जो है नकली पाए गए हैं, फर्जी रजिस्ट्री पाई गई है, और इंतकाल दाखिल खारिज का इनके नाम नहीं है, कल को दूसरा आदमी है, मैं इनको अगर पैसे दे दूं, वो आके मेरे से कहे कि जनाब इसका तो मैं मालिक हूं, आपने इनको कैसे पैसे दे दिया, कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, 65 लाख रुपए की रकम थी, कोई छोटी मोटी रकम होती तो चलो मान लेते, अब मैं सारा पैसा उनको दे दूं और वो आके खड़ा हो जाए, मेरे पे मुकदमा डाल दे कि भाई ये तो मालिक ही नहीं थे, आपने इनसे कैसे ले लिया, और ये वो तहसील के जो कागज थे हमने भी निकलवाए फर्द, ये मैं इसका मालिक हूं, और वो पंडित जी है, तो वो पंडित जी शायद एक्सपायर हो चुका, उसके बच्चे हैं, तो किसी, अगर वो जो मालिक है जो एक्सपायर हो गया उसके बच्चे हैं, तो मैं उनका हक क्यों मारूं। मैंने कहा या तो उनसे बात करो जाके, अपने नाम करवाओ, या फिर तुम या तो उनसे बात करो, वो मेरे नाम डायरेक्ट करवाए तो आप ले लो, चाहे उसको दो या ना दो वो आपकी मर्जी है, या अगर आप डायरेक्ट करवा रहे हो रजिस्ट्री तो आप पहले अपने नाम दाखिल खारिज कराओ, इंतकाल चढ़वाओ, तब, इसमें तो मेरी कोई गलत बात नहीं थी। अब मैंने कोर्ट में स्टे डाल दिया। स्टे डालने के बाद कोर्ट को मैंने सारी चीज एविडेंस रखी, और एविडेंस रखने के बाद माननीय जज साहब ने मेरे हक में स्टे पास कर दिया कि भाई ये पैसे इतने दिए, क्योंकि ऑनलाइन पैसे दिए हुए थे, बैंक अकाउंट से दिए हुए थे, तो उसका रिकॉर्ड था, उसका एग्रीमेंट भी था, सब कुछ था, तो कोर्ट ने वो स्टे दे दिया। आज तक वो स्टे चला आ रहा, अभी 2 दिन पहले भी तारीख थी। अब इन्होंने क्या काम किया, जैसे ही स्टे हुआ, मैं स्टे लेकर के मैं उस प्रॉपर्टी के पास पहुंचा, तो मेरे हक में स्टे था, तो इन्होंने क्या काम किया, 3-4 आदमी, मैं अकेला ही था, तो क्या हुआ कि जैसे मैं स्टे की कॉपी लेके गया, मैं अकेला ही था, मेरे साथ एक और था पेंटर, ये लिखवाने के लिए, जब स्टे हो जाता है तो प्रॉपर्टी पे लिखवाना पड़ता है, भाई इस प्रॉपर्टी पे ये केस चल रहा है और इसके इस ऑर्डर के मुताबिक इस पे स्टे लग चुका है, ये लिखवाना पड़ता है प्रॉपर्टी पे, ताकि कोई गलत आदमी इंटरफेयर ना करे, अगर कोई करेगा तो कानूनी कार्रवाई उसके पे की जा सकती है। तो जैसे ही मैं गया तो 3-4 बदमाशों को लेके वहां आ गया, और आते ही वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया मेरे साथ।
उस टाइम मैं अकेला था, तो मेरे किसी आदमी ने भी देख लिया, उसने फौरन इंफॉर्मेशन दे दी। अब इतने वो मेरे आदमी आए, मेरे बंदे आए, इतने में जो है वो मेरे को मेरे ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश करी और मेरी लेग पे नुकसान पहुंचाया, तो मेरी लेग जो है उस टाइम जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो मैंने मैं फिर वहां से हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से मुझे रेफर कर दिया, मैंने पुलिस को उसी टाइम डीजीपी को आईजी को, और उसको फोटो समेत प्लास्टर चढ़ा उस पे, तो वो मैंने लोगों को उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, मेल भी कर दी मैंने वहीं से हॉस्पिटल, क्योंकि मैं तो वकील हूं, अपना काम पूरा रखता हूं। तो फिर मेरे आदमी आ गए वहां से। अब जो मेरे आदमी आ गया, जब उनको पता लग गया, तो आपको पता ही है फिर तो रिएक्शन तो कहीं ना कहीं होता ही है। अब दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज होगी, मैंने भी करा दी, उन्होंने भी करा दी। अब इस पार्टी ने क्या काम किया, 4-5 लाख रुपए जो वहां प्रेजेंट का जो एसएचओ था उसको दे दिए। अब जो मेरी एफआईआर थी वो तो इन्होंने दिखा दी कि जी चोट नहीं लगी, हालांकि सब मेडिकल रिकॉर्ड था, भाई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। मेरी एफआईआर को तो दबा दिया, और उनकी एफआईआर को कहने लगे जी एफआईआर हुई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसी टाइम एसएचओ के खिलाफ जो पुलिस वाला था उसके पुलिस वाले खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई, जो उनके गुंडे आए थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई, और कोर्ट में जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई झूठी, मैं हॉस्पिटल में हूं और पीछे झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, उस एफआईआर को मैंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया 420 467, और उस एसएचओ को, उस पुलिस वाले को भी मैंने उसके अंदर लपेट दिया कि इन्होंने साजबाज होकर के ये फर्जी एफआईआर दर्ज की है, और मैंने बयान दर्ज करा दिए, कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो जब कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग हो, कोई पुलिस वाला फर्जी एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ कर दे, और वो भी आम आदमी के खिलाफ कर दे, तो कर दे, मोमिन मलिक के खिलाफ कर दे या मेरे परिवार के खिलाफ कर दे, तो हम छोड़ने वाले हैं क्या? हमने उसको अब उस मुकदमा में उस तलवार लटक रही है उस एसएचओ के खिलाफ, 3 स्टार का है, उस थानेदार के खिलाफ, और एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है उस थानेदार के खिलाफ उसी टाइम। तो ये जो महिला है, इस महिला को जमानत, इसको पुलिस ने अरेस्ट करना पड़ा, इसके पति को अरेस्ट किया, इसकी सास को अरेस्ट किया, इसके देवर को अरेस्ट किया, इसका एक गुंडा जो ले आई थी सरदार टाइप का उसको अरेस्ट किया, और 3-4 और लोगों को किया। अच्छा, एक वकील मिला हुआ था इसका। अब वो वकील पिछले कुछ टाइम पहले उसको परमात्मा उसको जो है ना उसकी आत्मा को शांति दे, वो सबसे बड़ा सातिर था, सबसे बड़ा, उसके खिलाफ भी मैंने एफआईआर दर्ज कराई, वकील के खिलाफ भी। तो देखो, परमात्मा के यहां इंसाफ है, किसी के साथ इंजस्टिस करोगे ना, चाहे वकील है चाहे जज है, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है कि उन्होंने अपनी पावर के टाइम में काले को सफेद कर दिया, सफेद को काला कर दिया, गलत को ठीक कर दिया, ठीक को गलत कर दिया। तो ऐसे लोग बिस्तर पे पड़े पड़े अपने पाजामे में पैंट में वही लैटरिंग करते हैं, वही पिशाब करते हैं, कुदरत उनके साथ ऐसा फैसला जरूर करती है। जो लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और किसी को नाजायज रूप से सताते हैं, अब वो वकील साहब जो थे वो इनको माइंड दे रहे थे, उन्होंने ही मेरी शिकायत कराई वहां पर बार काउंसिल में, झूठी शिकायत 2022 में। और इस महिला के 2 रिश्तेदार आगरा के अंदर एक्सीडेंट से खत्म हो गए थे, तो इसने उस टाइम लड़ाई नहीं थी, उस टाइम झगड़ा नहीं था, तो इसने मुझे कहा, और वो जो 2 रिश्तेदार इसके खत्म हो गए आगरा में एक्सीडेंट में, एक तो गन्नौर का था सोनीपत का ड्राइवर, एक इनका रिश्तेदार पंजाब का था। तो ये इन्होंने क्या काम किया, बिना एफआईआर दर्ज कराए डेड बॉडी आगरा से लेके और वो आगे सोनीपत, और फिर सोनीपत में आके गन्नौर में एक की अंत्येष्टि कर दी और दूसरे को पंजाब ले गए। तो जब 3-4 दिन जब गुजर गए तो ये मुझे पास आए, कहने लगे भाई साहब हमारे 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया और हम तो ऐसी डेड बॉडी लिया, हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा यार कमाल हो गया, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले जो है ना पोस्टमार्टम है, उसके बाद पहले एफआईआर होती है, पोस्टमार्टम भी बाद में होता है, ये तुमने क्या किया एक्सीडेंट में, ये तुमने क्या किया? तो ये कहने लगे जी हमारी मदद करो। हाँ, ये कहने लगे कि हमारी मदद करो। तो मैं आगरा गया, आगरा जाकर के मैंने अपने हाथ से लिख के उस ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर, और
बनता भी नहीं था। देखो वो केस ही नहीं बन रहा था क्योंकि क्योंकि जो है गलती जो है एक तरह से जो है इनके मरने वालों की थी, ये गलत रोड पास कर रहे थे। फिर भी मैंने कानूनी रूप से FIR अपने हाथ से अपने पेन से लिख के कंप्लेंट फाइल की और जिसने टक्कर मारी थी मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई 4 दिन के बाद। और फिर मैंने उस ट्रैक्टर को वहां कोशिश करके पकड़वाया, उस ड्राइवर को पकड़वाया और मैंने फिर 2 केस जो है सोनीपत में डाले उनके मुआवजे के लिए। तो जब जिस दिन वो फाइनल होने लगे वो केस, इनसे लड़ाई होगी थी, इस पार्टी से लड़ाई होगी थी, सटे भी मुझे मिल गया था, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को अप्रोच किया कि मोमिन मलिक से वो केस वापिस लो। वो कहने लगे भाई हम क्यों लें, कह रहा हमारा उनसे झगड़ा हो गया है, उन्होंने स्टे भी ले लिया है, FIR भी करा दी, उनसे वापिस लो। तो उनपे दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इस वकील को खड़ा किया जो जो एक्सपायर हुआ है, ये उस महिला के फ्रेंड सर्कल में था, उसको खड़ा किया। और जब जिस दिन केस का फैसला होने लगा, सारे पैसे मैंने 2-3 साल तक अपने पास से लगाए, जब फैसला होने लगा उस दिन आके वो वकील खड़ा हो गया। तो मेरी कम से कम भी, ज्यादा नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए की फीस जो है इन्होंने मार ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले जाओ। और उल्टी शिकायत मेरी बार काउंसिल में कर दी, वहां उत्तर प्रदेश में, उस महिला से भी करवा दी, गनौर वाली महिला से, और खुद उन रिश्तेदारों से भी, और खुद भी कर दी। कहता जी वकील है कब्जे कर रहा। अरे कब्जे क्या तुम कब, अरे तुमने ऑनलाइन तुम्हें पैसे दिए, पैसे लेते हुए तुम्हें दिख नहीं रहा था। मैं तो आज भी कह रहा हूं आप दाखिल खारिज इंतकाल की कॉपी दो, आज रजिस्ट्री करा लो, सटे आज भी चल रहा है और पता नहीं कितने साल चलेगा। तो ये मामला था। अब इन्होंने वहां पर बार काउंसिल में जो बार के मेंबर है वहां भी सेटिंग करी, वहां के मेंबर को सेटिंग करके, और जब वहां कंप्लेंट दी तो मेरे को नोटिस भेजा मेरे घर। तो मेरे घर ताला लगा हुआ था, मेरी माताजी कहीं गई हुई थी, घर पे कोई था नहीं। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ आया कि भाई यहां पर ताला लगा हुआ है। वो नोटिस वापस बार काउंसिल चला गया चंडीगढ़, अगर मुझे मिलता तो मैं कार्रवाई कर देता। अब वो नोटिस चला गया और उसकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई घर पे लॉक लगा मिला, और वो वापिस बार काउंसिल ने वो 25 तारीख को वो वापिस रिसीव कर लिया, बंद लिफाफा, उस पर स्टैंप वापसी की लगी हुई है बार काउंसिल की। 25 तारीख को बार काउंसिल ने लिफाफा वापिस किया, 28 तारीख को एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि मोमिन मलिक ने घर पर, हमने उसको नोटिस भेजा और उसके बाद वो आया नहीं, जबकि वो नोटिस जो है वो वापिस जा चुका था। अब एक्स, अभी आप और हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ कौन आदमी क्या साजिश रच रहा है, क्या एप्लीकेशन भेज रहा है या क्या चिट्ठी भेज रहा है, हमें तो पता नहीं। उसका तो पता जब लगेगा, जब या तो आपको चिट्ठी मिले या मुझे चिट्ठी मिले। तो उन्होंने रिकॉर्ड को तो देखा नहीं, एक तरफा जो है उसने वो ऑर्डर कर दिया एक तरफा एक्स पार्टी का। तो जब एक्स पार्टी का ऑर्डर कर दिया, मुझे पता चला, क्यों मेरे आदमी भी है वहां बार काउंसिल में, मेरे भी दोस्त वहां के मेंबर है, ऐसी तो बात नहीं, वहां के वाइस चेयरमैन है वो मेरे दोस्त है, एक मेंबर और वो मेरे दोस्त है, उनके फोन आ गया मुझे कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मैं गया, मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने होशियारी से, पहले तो मैंने वो लेटर की, जो लेटर मुझे भेजा गया था जो सीलबंद वापिस रिटर्न हुआ, सबसे पहले तो मैंने उसकी कॉपी ली, सीलबंद की उसकी, बिल्कुल बंद लिफाफे की, दोनों तरफ से सर्टिफाइड कॉपी ले ली। उसके बाद जो जो ये स्पीड पोस्ट से गया था उसका रिकॉर्ड निकलवाया, वो रिकॉर्ड में वो रिटर्न वापस हो रहा है। और इन्होंने वहां झूठे बयान दिए कि जी हमने जो लिफाफा था वो डिलीवर कर दिया, वो झूठे साइन है इस पार्टी के जिसने शिकायत करी थी। अब वो भी मैंने कॉपी ले ली, कॉपी लेके मैंने एप्लीकेशन लगा दी, वहां अपनी कार्रवाई कर दी। तो जब सुनवाई पे आई तो मैंने चेयरमैन साहब को, मैं गले पड़ गया जो वहां के चेयरमैन थे, मैंने कहा वकील हो, परमात्मा ने आंखें दी है, अंधे नहीं हो, ये क्या है, आपने एक नोटिस भेजा, अगर एक नोटिस वापस आ गया तो आप कम से कम 3 नोटिस भेजते, अगर तीन नोटिस पे नहीं आता तो अखबार में निकलवाते, या मेरी जो पानीपत की बार है वहां पर भेजते आप, लेकिन वहां भी नहीं आपने भेजा। मेरी ईमेल आपके पास है, आपने ईमेल में नहीं भेजी, मेरा टेलीफोन नंबर है, आपने मुझे टेलीफोन में भी सूचना नहीं दी। अब वहां सेटिंग थी ना उस मेंबर से, वो पंजाब का है, और ये पार्टी भी जो है जो रहती सोनीपत है, लेकिन ये पंजाब के हैं, तो इन्होंने सेटिंग कर ली थी।
तो मैं चढ़ गया उसके ऊपर, मतलब मैं आपकी FIR दर्ज कराऊंगा, आपने फर्जी कागजों के आधार पर मेरा नुकसान किया है और ये ऑर्डर आपने कैसे पास कर दिया। अब जब उसने देखा, वो पढ़ा, बार बार ऐसे करे, उसने देखा तो तू तो फंस गया, अब ये तो मोमिन मलिक है, ये तो नहीं छोड़ेगा तेरे को, ये तो तेरा अंडरवियर भी उतार देगा, तो इसको तुझे पता लग जाएगा समाज के सामने, तुझे नंगा कर देगा कि तूने क्या गलत कार्य किया है। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद सारे सबूतों को देखा और फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए ये क्या है। तो देखो, जब आदमी गलती करता है तो उसको भी पता होता है कि सामने वाला भी वकील है, ये तो फंसा देगा भाई, वे भी तो वकील ही है ना, हमारे जैसे वकील ही है, आज वो मेंबर है, कल को मैं इलेक्शन लड़ लूं, मैं भी मेंबर बन जाऊंगा। तो उसी टाइम वो एक्स पार्टी ऑर्डर, मैं आपको, मेरे पास ऑर्डर भी है, उसी टाइम बिल्कुल उसको खारिज कर दिया, उसको स्टे कर दिया और वो मामला खत्म हो गया।